गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपकी एनुअल एग्ज़ाम की डेट बहुत पास आ गई है, तो आप कृपया अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें। और एक मेरी बहुत ही फेवरेट लाइन है, कोटेशन है, जो हमेशा मुझे मोटिवेटेड रखती थी कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आपको बस मेहनत करनी है और बाकी हम एग्ज़ाम की तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो हम मिलकर जोर लगाते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, या GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हम इसके पहले एनाटॉमी देखेंगे, उसके बाद में हम इसकी फिजियोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम और GIT। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि डाइजेशन, कि व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? मतलब डाइजेशन होता है कि एक लार्ज फूड मॉलिक्यूल को स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना, यानी कि एक लार्ज बहुत बड़े टुकड़े को, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक रोटी है, उस रोटी को इतना छोटा तोड़ देना कि हमारी सेल भी उसको एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। यानी कि लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स का स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में टूटना, और वो भी इतना कि दे कैन एंटर इन टू द सेल, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद में होता है कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, माउथ से लेकर एनस तक कंप्लीट एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर दो टाइप के ऑर्गन्स आते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है उनको हम टू टाइप से क्लासिफाइड करते हैं, मेन GIT ऑर्गन्स और एसेसरी GIT ऑर्गन्स। आज हम जो इस क्लास में बात करेंगे वो इन ऑर्गन्स में माउथ तक बात करेंगे, यानी कि हम माउथ तक का एरिया जो है वो कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके, मतलब डाइजेशन की क्या क्या प्रोसेस है। तो डाइजेशन के अंदर 6 प्रोसेस आती है। पहला कि आप फूड को इंजेस्ट करते हो, उसके बाद सिक्रीशंस कि आप, तो आपकी GIT जो भी सिक्रीशन सिक्रीट करती है वो। थर्ड आता है मिक्सिंग एंड प्रपल्सन, उसके बाद में वो थर्ड के अंदर कि वो फूड जो मिक्स होता है माउथ के अंदर, स्टमक के अंदर, GIT के अंदर, वो इंटेस्टाइन के अंदर, वो सारा मिक्सिंग एंड प्रपल्सन। प्रपल्सन का मतलब होता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होते हैं वो उस फूड को आगे भेजते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रपल्सन। उसके बाद में आता है डीग्लुटिनेशन। डीग्लुटिनेशन का मतलब होता है कि उसको निगलना, यानी स्वेलो। तो हम फिजियोलॉजिकल टर्म जब यूज़ करते हैं तो हम उसको बोलते हैं डीग्लुटिनेशन। उसके बाद में आता है कि जब फूड इतना आगे गया तो उसका होता है डाइजेशन, यानी कि उसका फूड जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद में आता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि फूड का क्या हो जाता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि फूड GIT से किसमें चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ब्लड स्ट्रीम से सेल के अंदर चला जाता है। फिर वहाँ पर उसका डाइजेशन मेटाबॉलिज्म होता है और फिर हमारे को एनर्जी मिलती है। उसके बाद में एंड प्रोसेस जो होती है एक्सक्रीशन होती है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल टर्म यूज़ करते हैं डेफिकेशन, यानी कि डेफिकेशन का मतलब होता है कि एक्सक्रीट आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम कैसे बाहर निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं डेफिकेशन। अब तो ये थी हमारे, तो हम बात कर रहे थे डाइजेशन की। तो डाइजेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है डाइजेशन, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, एक केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में वो तो वो होता है जिसके अंदर हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं कि उसमें, जैसे माउथ है फूड को क्या करता है, ग्राइंड करता है, उसको मिक्स करता है, तो वो होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन। उसके अलावा होता है डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि हमारी सलाइवा होती है, हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस होता है, बाइल्स होता है, तो वो क्या करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। कि केमिकल के थ्रू, यानी कि रसायन के थ्रू जो हमारा डाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। तो ये था हमारा डाइजेशन की प्रोसेस। उसके बाद में हम बात करते हैं लेयर्स की, कि GIT की जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी होती है। मेजरली हम जो देखते हैं वो हमारी 4 लेयर हैं, फर्स्ट वन म्यूकोसा, सेकंड वन सबम्यूकोसा, थर्ड वन मस्कुलरिस, और फोर्थ वन सिरोसा, या जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। इसके हम इनकी वन बाई वन सभी की अभी स्टडी करेंगे, तो पहले आप इसको एक बार एक कहानी की तरह सुन लीजिए ताकि आपको याद हो जाए कि हाँ हमें क्या क्या हम आज की क्लास में बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि पेरिटोनियम जो सिरोसा है, वो सिरोसा क्या होती है कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी कि अगर हम GIT की बात करें तो GIT की सबसे इनर लेयर होती है म्यूकोसा, सबसे बाहर की लेयर जो होती है वो होती है सिरोसा, जिसको हम पेरिटोनियम भी कहते हैं। पेरिटोनियम के क्या होती है कि लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन होती है, और इसके उसकी दो लेयर होती है, एक विसरल पेरिटोनियम होती है और एक पेराइटल पेरिटोनियम होती है। इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसको हम पेरिटोनियल स्पेस या पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। उसके अंदर एक फ्लूड भरा होता है जिसे हम पेरिटोनियल फ्लूड बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो फ्लूड होता है इसके अंदर इसका अमाउंट जो होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसआईटिस, जिसके अंदर पेरिटोनियल फ्लूड का अमाउंट जो होता है ड्यू टू इन्फेक्शन एनी अदर रीजंस उसका क्या होता है अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एसआईटिस। तो ये था आज के हमारे, हाँ आज हम पढ़ेंगे पेरिटोनियम तक कि क्या होता है। तो अब हम वन बाई वन एक एक करके स्टडी करते हैं कि पहला होता है डाइजेशन। आपका जो पेपर होता है, पेपर में आपको उस पेपर को इसी हिसाब से करना है कि आपको 40 पेज की कॉपी मिलती है, तो 40 पेज में आपको उस हिसाब से पेपर को लिखना होता है कि आपका कंटेंट, आपका मटेरियल,
आपकी थिंकिंग, आपकी राइटिंग हैबिट्स वो अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी कॉपी जो है वो बहुत अच्छी लगे। और आपको एनाटॉमी का पेपर अलग करना होता है, फिजियोलॉजी का अलग करना होता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे तो आप श्योरली आप पेपर अच्छा कर पाओगे। आज हमारी पहली क्लास है तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि पहला जो हमारे पास आता है पेपर वो शायद हमें एनाटॉमी करनी होती है, फिर उसके हाफ एन आवर बाद में हमें फिजियोलॉजी मिलती है। तो आपको जो पहले तो ये देखना है कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, पहले उस क्वेश्चन को टिक कर ले कि मेरे को ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद आप सोच ले कि मेरे को कितना क्या लिखना है, उसके बाउंड्री होता है ना कि आप सेट कर लें कि मेरे को इतना लिखना है इतना नहीं करना, वो आप पहले अपने दिमाग में सेट कर लें। फिर उसके बाद में आप टाइम मैनेजमेंट कर ले कि मेरे को इस क्वेश्चन को इतना टाइम में करना है और ये मेरे को उसकी आउटलाइंस लिखनी है, उसके बाद मेरे को ये पेपर करना है। उसके बाद जब आपको डेढ़ घंटा या पौने दो घंटा आपका एनाटॉमी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप फिजियोलॉजी करना स्टार्ट करें। तो ये होता है कि अगर आप सीरियल से करेंगे और आप अपना मतलब कंसंट्रेशन कॉपी के अंदर लगाएंगे तो शायद में भी कि आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। तो उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं कि व्हाट इज़ द डाइजेशन एंड व्हाट इज़ द कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट वन हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन एक बात हो रहा है कि अगर आप जब पेपर कर रहे हो तो पेपर करते टाइम याद रखें कि अगर आपको एक्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आती तो वो एग्जामिनर ये चेक नहीं करता कि आपने एग्जैक्ट लिखा है आपने एग्जैक्ट नहीं लिखा। ये सारी चीज़ें कोई डजेंट मैटर, आपने क्या लिखा है और कैसा लिखा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एग्जामिनर को ये होता है कि आपने लिखा क्या है, मतलब आपने जो लिखा है वो आप एग्जामिनर को समझा पा रहे हो या नहीं, बस वही आपको अच्छे से करना है। यानी आपका प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर होना चाहिए ताकि नंबर तो फिर अपने आप गेन कर लोगे। तो हम बात कर रहे थे कि डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इंटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स सो दैट कैन एंटर इनटू सेल। तो ये क्या हो गया? डाइजेशन। तो वो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना और वो इतना कर देना कि वो क्या करे सेल के अंदर एंटर कर जाए, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। तो हमने बात की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है। तो हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम या जी आई टी की हम अगर बात करें तो जी आई टी क्या होता है? माउथ टू एनस, यानी कि माउथ टू एनस जो होता है वो हमारी कंप्लीट जी आई टी होती है। ये हमारा क्या है? माउथ। अगर हम माउथ से आगे चलते हैं कि हम ऑर्गन्स की बात करें कि जी आई टी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारा आता है माउथ। माउथ के बाद में ये हमारी ओरल कैविटी, इसके बाद में हमारी ये आती है फेरिंग्स। फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स और लैरिंगो फेरिंग्स। तो इसमें हमारा फूड जो होता है वो क्या होगा? माउथ के होते हुए फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर वो आगे चला जाता है ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से फिर वो चला जाता है स्टमक के अंदर। ये हमारा स्टमक हो गया, फिर वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हमारी हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में उसका क्या होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन होगा और वो फूड क्या होगा? बाहर चला जाएगा। तो ये होता है हमारा, ये हमारा जी आई टी, यानी कि ये हमारा हो गया माउथ। इतना अच्छा नहीं है लेकिन समझने के लिए सफिशियंट है। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लास्ट में ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन। अब आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और फेरिंग्स जो होते हैं, मतलब ये जो ऑर्गन्स हैं मेनली जो ये सिक्स ऑर्गन्स हैं ये हमारे क्या हैं? डायरेक्ट जो हम जिनको बोलते हैं मेजर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, यानी कि मेजर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं जिनमें माउथ से लेकर और एनस तक, उनमें ये मेजर डाइजेस्टिव ऑर्गन है या मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन। जिनमें फेरिंग्स होता है इसके भी तीन पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के भी चार पार्ट होते हैं। तो फेरिंग्स तो तीन प्रकार का भी हमने बात की, नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स और लैरिंगो फेरिंग्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहला पार्ट होता है ड्यूडिनम, उसके बाद में उसका होता है जेजुनम और फिर इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? पहला होता है सीकम, उसके बाद में होता है कोलन। कोलन के भी चार पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। उसके बाद में आता है रेक्टम और एनस। तो ये इसके पार्ट्स होते हैं। तो हम बात कर रहे थे जी आई टी की, तो जी आई टी के अंदर क्या होता है? माउथ टू एनएस। ये क्या होती है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, एनएस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी कि
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है कि पूरा जो यहाँ से माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस तक, माउथ टू एनएस एक क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें फूड वेरियस मूवमेंट करता है। और ये मूवमेंट्स जो होते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड क्या करता है, अपर से लेकर और डाउनवर्ड जाता है। तो यह हमारा डाइजेशन और जीआईटी। अब हम बात करते हैं ऑर्गन्स की कि जीआईटी ऑर्गन्स, जीआईटी ऑर्गन्स जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। और उसमें फर्स्ट वन हमारा है मेन जीआईटी ऑर्गन्स। और मेन जीआईटी ऑर्गन्स जो हैं, जो आपके सामने लिखे हैं, ये मेन जीआईटी ऑर्गन है। सेकंड आते हैं एक्सेसरी जीआईटी ऑर्गन। एक्सेसरी जीआईटी ऑर्गन ये क्या होता है, एक्सेसरी जीआईटी ऑर्गन डायरेक्ट फूड के, मतलब इनका रोल नहीं होता डाइजेशन में, लेकिन ये क्या करते हैं कि इनके बिना भी फूड का डाइजेशन नहीं हो सकता। ये वो होते हैं जो असिस्ट करते हैं फूड के डाइजेशन में, यानी कि कहते हैं कि कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो एक्सेसरी जीआईटी ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे पहला आता है टीथ, फिर आती है टंग, फिर आता है सलाइवरी ग्लैंड्स, फोर्थ वन आता है हमारा लीवर, फिफ्थ वन हमारा पेनक्रियास। टीथ हो गई, टंग हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, लीवर हो गई और पेनक्रियास हो गया। ये हमारे किसके अंदर आते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स के अंदर, कि इनके जो जूस होते हैं, इनके सिक्रीशंस जो होते हैं, इनके केमिकल्स जो होते हैं, वो क्या इसमें करते हैं फूड के अंदर हेल्प करते हैं। टीथ फूड को ग्राइंड वगैरह करते हैं, टंग के अंदर जो सिक्रीशंस आता है वो फूड को बोलस बनाता है, और इसके अंदर जो टाइलिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में और डाइजेशन में हेल्प करता है। सलाइवरी ग्लैंड्स के सेक्रीशंस आपको पता ही है कि सलाइवरी एमाइलेज होता है, सलाइवरी लाइपेज होता है, सलाइवरी पेप्टाइडेज होता है, ये सारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लीवर बाइल का सेक्रीशन करता है जो कि फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। और हमारा पेनक्रियाज होता ही है, जो पेनक्रियाज तो क्या करता है, पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट करता है जो कि डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारे क्या थे, जीआईटी के ऑर्गन्स के। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस या व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ जीआईटी, यानी कि हम करेंगे डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होती है वो हमारी जीआईटी की क्या होती है। शायद ये अभी रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन था कि डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसको एक्सप्लेन करो, और इसको आप ना एक अच्छे से समझ लेना, क्योंकि डाइजेस्टिव प्रोसेस का क्वेश्चन जो आएगा वो लगभग 8 नंबर का या 12 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो 6 पॉइंट है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं ताकि आपको अच्छे से उसके मार्क्स मिलें। आगे हम बात करेंगे कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कौन कौन सी होती है। अभी हमने बात की थी डाइजेस्टिव प्रोसेस में कि फूड को इंजेस्ट करने से और डेफिकेशन तक की जो प्रोसेस होती है वो किसके अंदर आती है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के अंदर। तो हम पहले बात हेडिंग लगाते हैं कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो क्या 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 होती है, यानी कि पूरी प्रोसेस डाइजेशन में जो पूरी प्रोसेस यूज करते हैं ना वो उसको हम किस में लिखते हैं, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के अंदर। तो इसके अंदर फर्स्ट वन जो है वो है इंजेशन, फर्स्ट वन इंजेशन। इंजेशन के अंदर क्या होता है कि इनटेक ऑफ फूड और वाटर, इनटेक फूड एंड वाटर, ये किसके अंदर आता है, इंजेशन के अंदर, यानी कि फूड को और वाटर को इंजेस्ट करना, यानी कि कोई भी ईटेबल मटेरियल जो होता है जिसको हम माउथ के अंदर इंजेस्ट करते हैं उसको हम रखते हैं किसके अंदर, इंजेशन के अंदर। सेकंड वन होता है सिक्रेशन, सिक्रेशन, सिक्रेशन के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है अप्रोक्स डेली क्या होती है 7 लीटर सिक्रीट करती है, 7 लीटर जो सिक्रेशन होते हैं उनको सिक्रीट करती है, और ये सारे किसमें हेल्प करते हैं, हमारे डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो बॉडी हमारी जीआईटी सिक्रीट अप्रोक्स 7 लीटर फ्लूड इन जीआईटी, या फिर हमने 7 लीटर फ्लूड, कि हमारी जी आई टी जो होती है कितना करती है, 7 लीटर फ्लूड करती है, विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। बस आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है कि उस एग्जामिनर को ये समझ में आए कि आपने जो टर्म लिखा है उसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म यू एज, मतलब यू राइट, आपने जो लिखा है उसका मतलब क्या है, ये एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। उसके बाद में थर्ड वन जो होता है वो होता है मिक्सिंग एंड प्रपल्सन, मिक्सिंग एंड प्रपल्सन। मि
मिक्सिंग एंड प्रपल्सन का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से इसी को हम बोलते हैं डीग्लूटिनेशन, यानी कि मिक्स करके और प्रपल्सन का मतलब उसको आगे भेजना या डीग्लूट करना, वो होता है हमारा मिक्सिंग एंड प्रपल्सन। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो मैकेनिकल मूवमेंट्स जो होती है GIT की, वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो फूड को क्या करती है, मिक्स करती है और उसके बाद उसको आगे करती है, जिनमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें हम करेंगे मिक्सिंग एंड प्रपल्सन में फूड प्रिपेयर्ड एज बोलस इन माउथ एंड डीग्लूटिनेशन, यानी कि फूड को क्या किया जाता है, उसको फूड का बोलस बनाया जाता है मुंह के अंदर, उस फूड को डीग्लूट किया जाता है, मतलब उसको निगला जाता है। तो ये आती है मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन में। और उसके आगे क्या होता है कि जो जब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होते हैं वो कहते हैं को अल्टरनेट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जनरेट होते हैं, और वो क्या करते हैं कि फूड को थोड़ा थोड़ा करके और आगे उसको मतलब मूव करवाते हैं। तो वो आता है किसके अंदर, मिक्सिंग एंड प्रपल्सन के अंदर। फोर्थ वन जो होता है, फिर आता है डाइजेशन। डाइजेशन के अभी डाइजेशन में भी एक बार बता देता हूँ कि डाइजेशन जो होता है इसमें फूड को क्या करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर भी दो प्रोसेस होती हैं जो हमने पीछे बात की है कि एक तो मैकेनिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन। तो हम बात करेंगे इसको अभी हम एक सेपरेट टॉपिक छोड़ के, किसके अंदर अभी हम इतना लिखते हैं मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है, मैं बताता हूँ इसको आगे, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। इसके बाद में जो नेक्स्ट है फिफ्थ वन, वो है डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, और सिक्स्थ वन जो है डेफिकेशन। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो भी यूजफुल मटेरियल होता है उनको यूजफुल मटेरियल एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइनल वॉल। और अभी हम आगे बात करेंगे कि जो वॉल की जो कौन सी लेयर होती है वो हेल्प करती है इसके एब्जॉर्प्शन के अंदर। इसके बाद में होता है डेफिकेशन, या डेफिकेशन को हम बोलते हैं एक्सक्रीट आउट, एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से उसको क्या कर देना, बाहर कर देना। वो किसके अंदर आता है, हमारा डेफिकेशन के अंदर, या डेफिकेशन को ही हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो ये हमारी क्या होती है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पहला इंजेशन, सिक्रेशन, मिक्सिंग एंड प्रपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डेफिकेशन। जब आप इनको लिखोगे पेपर के अंदर, कॉपी के अंदर, तो ये क्या होगा, पूरा एक पेज कवर कर लेगी। और मैक्सिमम आपको एक जो दो नंबर का क्वेश्चन होता है, चार नंबर का जो क्वेश्चन होता है, उसमें केवल एक खड़ा पेज लिखना होता है, यानी कि एक पेज जो होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी नोटबुक है, तो नोटबुक का जो एक पेज होता है उसको दो नंबर एक साइड का, दो नंबर एक साइड का, तो चार पेज की, चार नंबर के लिए केवल एक पेज सफिशियंट है। इसमें आप इतना मैटर, मतलब मैटर को इतना कंसाइज कर दो कि आपका काम हो जाए। तो ये थी हमारी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये छः प्रोसेस आपको एग्जाम में एज इट इज़ लिखनी है, ज़रूरी नहीं कि ये सेम एज आप लिखो प्रोसेस, ये आपको छः नाम सेम लिखने हैं, लेकिन ये आप अपने हिसाब से कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में, कि आप इंजेक्शन से क्या सोचते हो, किसी को कुछ दिमाग में आ रहा होगा, किसी को कुछ दिमाग में आ रहा होगा, और सिक्रेशन से आपको क्या लगता है, पर होनी, मतलब बात वही होनी चाहिए जो आप कहना चाह रहे हो, वो एग्जामिनर को समझ में आनी चाहिए। बस इतना जब आप कर दोगे तो शायद आपका काम अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि लेयर्स ऑफ GIT। उससे पहले हम एक बात करेंगे कि डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है ना, तो हम बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो केमिकल डाइजेशन और एक होता है हमारा मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन जो होता है इसको हम पढ़ेंगे किसके अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर, यानी कि GIT जब फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हम बात करें माउथ के अंदर, माउथ के अंदर क्या होता है, टाइलिन होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है, सलाइवरी लाइपेज होता है,
ये लाइपेज किसके अंदर? स्टमक के अंदर, यानी कि एसिड मीडियम में वर्क करता है। तो ये कहाँ? माउथ के अंदर वर्क ना करके स्टमक के अंदर जाके वर्क करता है। सलाइवरी एमाइलेज लाइपेज हो गया, और इसके अलावा स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर क्या हो गया? SCL हो गया, पेप्सिन हो गया, और इंटेस्टाइन के अंदर CCK हो गया, कोलिसिस्टोकाइनिन हो गया, बाइल आ गया, पैनक्रियाटिक जूस आ गया, ये सारे किसके अंदर? या सारे किसमें हेल्प करते हैं? केमिकल डाइजेशन के अंदर। इनमें क्या होता है कि जैसे टाइलिन होता है, कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ऐसे लाइपेज क्या होता है? जो हमारा लिपिड होता है, लिपिड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और जैसे बाइल आता है, बाइल का इमल्सिफिकेशन कर, मतलब बाइल जो होता है फैट का इमल्सिफाई कर देता है, जिसकी वजह से फैट जो होते हैं छोटे छोटे स्मॉल ट्राइग्लिसराइड और LDL HDL के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे सारे क्या होते हैं? केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन की। मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर क्या होता है कि फूड कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स थ्रू फिजिकल प्रोसेस। यानी कि इसमें हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होने, वो फिजिकली क्या करेंगे, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि टीथ क्या करते हैं? ग्राइंड एंड चॉपिंग फूड। वो क्या करते हैं? ग्राइंड करते, मिक्स करते हैं और उसको चॉप, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर देते हैं, यानी कि उसको काट देते हैं। तो उसको हम बोल, वो टीथ उसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो भी किसमें हेल्प करते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन में, वो भी उसके अंदर हेल्प करते हैं। तो ये हमारा डाइजेशन की, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। अभी थोड़ा हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि एक बार आपको ये समझ में आ जाए कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है ना। तो ये हमारा डाइजेशन है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ GIT की, GIT के अंदर कौन कौन सी लेयर्स मिलती हैं। लेयर्स ऑफ GIT, अब हम बात करेंगे कि GIT के अंदर कौन कौन सी लेयर देखने को मिलती है। तो उनमें जो सबसे पहली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या होती है? इनर लेयर होती है। सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। इसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद फूड। कभी अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर GIT के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम होती है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो नुकसान होता है वो किसको होता है? म्यूकोसा को होता है। म्यूकोसा की क्या होता है? फिर आगे सब तीन लेयर्स होती हैं, डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर्स। ये भी आगे क्या होती है, तीन लेयर्स के अंदर डिवाइडेड होती है। पहला होता है एपिथीलियल सेल। पहली जो लाइनिंग होती है एपिथीलियल सेल्स की बनी होती है। सेकेंड वन जो होती है उसको हम बोलते हैं लेमिना प्रोप्रिया। और थर्ड वन जो होती है उसको हम बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा। पहली जो लेयर होती है एपिथेलियल सेल, ये क्या होती है? डायरेक्ट फूड के कॉन्टैक्ट में होती है। और ये क्या करती है? फूड मतलब जो हमारी लेयर, अदर लेयर्स होती हैं उनको फ्रिक्शन से बचाती है। इसके अंदर क्या होती है? म्यूकोसा का सिक्रीशन। इसके अंदर म्यूकोसा के जो सिक्रीशंस होते हैं, म्यूकस लेयर के, म्यूकस सिक्रीशंस किसके अंदर होता है? एपिथेलियल सेल के अंदर। तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो होता है बहुत कम हो जाता है, और हमारी प्रोटेक्शन का काम करती है, यानी कि हमारी GIT लेयर्स जो होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। लेमिना प्रोप्रिया के अंदर क्या होती है? लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस के अंदर, इनके अंदर ब्लड वेसल्स और अदर नर्व सप्लाईज मिलती है। तो उसकी वजह से ये क्या करती है? इसको वैस्कुलराइज और न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाती है। तो ये थी हमारी की कौन सी? म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर का फंक्शन क्या है कि म्यूकोसा लेयर जो होती है, इसके हम अगर फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन तो ये कि ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। सेकेंड वन अगर बात करें तो म्यूकस का सिक्रीशन करती है। और इसके अलावा
अगर और भी जो आपको फंक्शंस नोन है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी है फर्स्ट लेयर म्यूकोसा। सेकंड वन आती है जो इसके नीचे होती है सब म्यूकोसा। सब यानी नीचे म्यूकोसा, यानी जो म्यूकोसा के नीचे है। सब म्यूकोसा के अंदर क्या होते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती हैं, और इसके अंदर इसके अलावा प्लेक्सस पाया जाता है। यानी प्लेक्सस क्या होता है, न्यूरॉन्स का जो न्यूरॉन्स की जो सप्लाई होती है, बंच जो होता है उसको हम बोलते हैं प्लेक्सस, और उस प्लेक्सस को हम बोलते हैं मीजनर प्लेक्सस। और ये मीजनर प्लेक्सस क्या करता है, जो सिक्रीशंस होते हैं, जो हमारे जितने भी जीआईटी के सिक्रीशंस होते हैं उनमें हेल्प करवाते हैं। तो वो हमारे आते हैं किसके अंदर, सब म्यूकोसा के अंदर। सेकेंड वन लेयर है सब म्यूकोसा, नाम से स्पष्ट हो गया म्यूकोसा के नीचे है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई, ये तीनों इसके अंदर क्या होती है, देखने को मिलती है। और इसके अंदर क्या होता है, जो नर्व सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है उसको हम बोलते हैं मीजनर, MEISNER, मीजनर प्लेक्सस। इसको मीजनर प्लेक्सस बोलते हैं, और ये किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन सिक्रीशंस ऑफ GIT, सिक्रीशंस ऑफ GIT, यानी कि GIT के जितने भी सिक्रीशंस होते हैं उनको जो मेंटेन करने का काम करता है वो कौन करती है, मीजनर प्लेक्सस करता है। उसके अलावा जो लिम्फेटिक सप्लाई और ब्लड सप्लाई है ये क्या काम करते हैं, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो जितना भी फूड हमारा भोजन है जो डाइजेस्ट हो गया है, जो हो गया है उसको जो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा लेयर की जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई होती है, वो क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये था हमारा कि सब म्यूकोसा जिसके अंदर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई है, मीजनर प्लेक्सस पाया जाता है, और ये सिक्रीशंस में हेल्प करता है, और इसके अलावा जो इसकी लिम्फेटिक सप्लाई और ब्लड सप्लाई है वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड को करती है। इसके अलावा हम बात करें इसके थर्ड लेयर जो है वो आते हैं मस्कुलरिस लेयर, जिसके अंदर क्या होते हैं, मसल्स मिलती हैं। अभी हम बात करते हैं मस्कुलरिस के अंदर। तो मस्कुलरिस के अंदर क्या होता है, मस्कुलरिस के अंदर भी एक नर्व का प्लेक्सस पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मायेंट्रिक प्लेक्सस। मायेंट्रिक प्लेक्सस इसलिए बोलते हैं कि मायोवर्ड जो होता है वो यूज़ करते हैं हम मसल्स के लिए। तो मायेंट्रिक प्लेक्सस जो है, जो हमारा मतलब मसल्स का जो प्लेक्सस है उसके अंदर जो सप्लाई है नर्व की, वो क्या काम करती है, जो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो इनिशिएट करवाती है। यानी कि हम कहें कि कोई हमसे पूछे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किस लेयर से स्टार्ट होता है, तो हम क्या कहेंगे, मस्कुलरिस लेयर से। और कौन हेल्प करता है, मायेंट्रिक प्लेक्सस करता है। अब क्या होता है कि हमारी जो मस्कुलरिस लेयर होती है वो माउथ की, फेरिंग्स की, और सुपीरियर और मिडिल ईसोफेगस की जो मसल्स होती हैं वो हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती है, या जिनको हम बोलते हैं कि स्केलेटल मसल्स होती हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल स्पिंटर जो होता है हमारा, एक्सटर्नल एनल स्पिंटर होता है, उसकी मसल्स भी स्केलेटल मसल्स होती है, जो कि हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है। यानी कि हमारा जो डिग्लूटिनेशन प्रोसेस है, स्टार्टिंग डिग्लूटिनेशन प्रोसेस है, वो हमारे कंट्रोल में होता है। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो हमारे इनवॉलेंट्री होता है। और जो हमारा डेफिकेशन प्रोसेस जो है अर्ली मॉर्निंग, और जब भी आपका व्हाटएवर जब भी आपका मन हो, तो आपकी डेफिकेशन जो होती है आपके कंट्रोल में होती है, कि आप मॉर्निंग में नहीं जा रहे, आप दोपहर को जा रहे, आप इवनिंग में जा रहे, तो वो सारा क्या होता है, आपके कंट्रोल के अंदर होता है। तो उसको हम बोलते हैं, तो वो आता है हमारा मायेंट्री के अंदर, कि इसके अंदर मसल्स जो होती है वो ये माउथ की, फेरिंग्स की, और अपर सुपीरियर और मिडिल ईसोफेगस की मसल्स जो होती है वो लेंट्री होती है, और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की मसल्स भी वो लेंट्री होती है। बाकी सारी मसल्स स्मूथ मसल्स होती है, जो कि इनवॉलेंट्री इन एक्शन होती है, मतलब आप उनको अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम बात करते हैं थर्ड लेयर की, और हमारी थर्ड लेयर कौन सी है, मस्कुलरिस। ये मस्कुलरिस लेयर होती है, इसके अंदर क्या, कौन सा प्लेक्सस है, मायेंट्रिक प्लेक्सस। और ये किस में हेल्प करता है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ GIT। और ये मूवमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यानी कि वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाने में क्या करती है, हेल्प करती है। कौन सी लेयर होती है, मस्कुलरिस लेयर होती है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि एक्शन की, तो इसके अंदर क्या होगा, माउथ की, फेरिंग्स की, माउथ की, फेरिंग्स की, सुपीरियर एंड मिडिल ईसोफेगस, सुपीरियर और मिडिल ईसोफेगस मस्कुलरिस लेयर मसल्स आर स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स होती है, मिडिल मसल्स आर स्केलेटल मसल, सो वॉलंटरी इन एक्शन,
एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल ऑल्सो। यानी कि क्या होगा कि हमारे जो माउथ फेरिंग्स सुपीरियर और मिडिल ईसोफेगस और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की मसल्स जो होती है वो हमारी किस में हेल्प करती है, वॉलंटरी एक्टिविटीज़ के अंदर हेल्प करती है। बाकी जितनी भी मसल्स होती हैं, रिमेनिंग मसल्स आर स्मूथ इन नेचर। यानी कि स्मूथ मसल्स होती है और वो स्मूथ मसल्स ऑलवेज बी रिमाइंड दैट कि इनवॉलेंट्री होती है, एक्शन के अंदर क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है, वो अपने कंट्रोल के अंदर नहीं होती। तो ये हमारे हैं कि मस्कुलरिस लेयर। लास्ट वन लेयर जो बसती है हमारी वो बसती है सिरोसा। लास्ट वन लेयर कौन सी है? सिरोसा। सिरोसा जो होती है, सिरोसा हमारी लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है। लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पेरिटोनियम। और जो सीरस लेयर होती है वो पेरिटोनियम भी कौन सी होती है? विसरल पेरिटोनियम। क्यों? क्योंकि जो लेयर होती है वो क्या होती है, ऑर्गन्स के साथ अटैच्ड है, इसलिए हम उसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। एक होती है पैराइटल पेरिटोनियम। क्या होती है? हमारी जो पेल्विक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के साथ जो अटैच्ड होती है, मतलब बाहर की साइड ही होती है, आउटसाइड, उसको हम बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम। और एक होती है विसरल पेरिटोनियम। विसरल वर्ड जो होता है आर यूज फॉर ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स के साइड जो होगी उसको विसरल पेरिटोनियम और बाहर की साइड जो होगी उसको हम पैराइटल पेरिटोनियम बोलते हैं। अब एक छोटी सी हेडिंग इसके बारे में हम पढ़ी लेते हैं, पेरिटोनियम क्या होती है? लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है। इसके अंदर, इसके अलावा जो पेरिटोनियम है इसकी दो लेयर्स पाई जाती हैं। इसके अंदर टू लेयर्स प्रेजेंट इन पेरिटोनियम। मैं पेरिटोनियम को भी डिनोट कर रहा हूँ, है ना, तो प्रेजेंट इन पेरिटोनियम, फर्स्ट वन पेराइटल पेरिटोनियम और सेकेंड वन होती है हमारी विसरल पेरिटोनियम। यानी कि पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम के बीच में जो, ये पैराइटल आउटसाइड में है और ये विसरल इनर साइड में है, इसके बीच में जो स्पेस पाया जाता है ये, इसको हम बोलते हैं, ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल स्पेस। और इसके अंदर जो फ्लूड होता है उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूड। अगर कभी कभी इस फ्लूड का अमाउंट इंक्रीज होता है तो उसको, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसाइटिस। एसाइटिस के अंदर क्या होता है कि जो हमारा पेरिटोनियल फ्लूड जो होता है उसका अमाउंट जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एसाइटिस। यानी कि ये हो गया हमारा कि पेरिटोनियम, ये उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं, पेरिटोनियल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम उनकी बात करते हैं। आगे जो हम बात करेंगे कि फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, ये क्या होते हैं कि जो हमारी लेयर्स होती हैं वो क्या करती है, जैसे जैसे हमारे विसराज, जैसे हमारी इंटेस्टाइन जहाँ पे टर्न हो रही है तो वहाँ पे क्या होता है, ये फोल्ड भी घूम जाते हैं, मतलब ये पेरिटोनियम भी घूम जाती है। ऑर्गन्स के साथ साथ इनके क्या होता है, कुछ कुछ फोल्ड बन जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम। अब इसमें डिफरेंट एरियाज के ऊपर इसके क्या होते हैं, डिफरेंट फोल्ड्स पाए जाते हैं। तो जिनमें सबसे पहला हमारा होता है ग्रेटर ओमेंटम। के अंदर क्या होता है कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारा जो ट्रांसवर्स कोलन होता है, ये हमारा ट्रांसवर्स कोलन और ये हमारी इंटेस्टाइन जो होती है, ये इन दोनों को जो बाइंड करके रखता है, जो पेरिटोनियल फोल्ड बाइंड करके रखता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम। मतलब ट्रांसवर्स कोलन प्लस में स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दोनों को बाइंड करके रखता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेटर मोमेंटम। इसके बाद में जस्ट इसके इस साइड में आता है
जो लीवर के ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं फाल्सीफेरम लिगामेंट, फाल्सीफेरम लिगामेंट। ये फाल्सीफेरम लिगामेंट क्या होता है कि हमारी जो लीवर होता है लीवर को बाइंड करता है, लीवर प्लस विसरल पेरिटोनियम, इसको ये क्या करता है हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो होता है उससे बाइंड करता है, बाइंड विद एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। यानी कि हमारे क्या होता है फाल्सीफेरम लिगामेंट लीवर को एंटीरियर एब्डोमिनल के साथ कनेक्ट करता है, यानी कि विसरल पेरिटोनियम लीवर ये मिलकर क्या करती है जो हमारा लीवर होता है उसको एंटीरियर वॉल से कनेक्ट करके रखते हैं। इसके बाद में आता है हमारा लेसर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम क्या होता है, हमारा जो स्टमक होता है स्टमक प्लस जेजुनम। यानी कि अगर हम बात करें कि हमारा जो ये होता है तो ये हमारा ड्यूडिनम और ये हमारा जेजुनम जो इधर आके होता है तो ये क्या करते हैं इन दोनों फोल्ड्स को जो कवर करके रखता है उसको हम बोलते हैं लेजर ओमेंटम। स्टमक एंड जेजुनम को ये क्या करता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करके रखता है। यानी कि पहला फोल्ड है ग्रेटर ओमेंटम, फाल्सीफेरम लिगामेंट, लेजर ओमेंटम, और इसके अलावा हमारे जो अदर दो फोल्ड्स हैं अदर दो में हमारा फोर्थ वन जो है वो है मिजेंट्री। मिजेंट्री के अंदर क्या होता है हमारा जो जेजुनम और इलियम है, जेजुनम प्लस इलियम, इन दोनों को ये मिजेंट्री क्या होता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करके रखता है। और फिफ्थ वन हमारा है मिजेंट्री और मिजोकोलोन। मिजोकोलोन जो होता है वो हमारा जो ट्रांसवर्स कोलोन और सिग्मोइड कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलन प्लस सिग्मोइड कोलन, इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है हमारा कौन सा मिजोकोलोन। तो ये हमारे थे डिफरेंट डिफरेंट फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। यानी कि पेरिटोनियम के फोल्ड्स क्या होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को बाइंड करके रखने का काम करते हैं। यानी कि हम बोले कि पेरिटोनियम फोल्ड्स किस में हेल्प करे, बाइंड टू डिफरेंट डिफरेंट एब्डोमिनल ऑर्गन्स, एब्डोमिनल के जितने भी ऑर्गन्स उनको एक दूसरे को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखते हैं ताकि वो अपनी एक फिक्स पोजीशन में बने रहे। तो ये हमारे थे हमारे फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम। अब इसके बाद में अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे माउथ, उसके बाद में फिर स्टमक, फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर जस्ट उसके बाद थर्ड क्लास जो होगी उसके अंदर हम लीवर और पैनक्रियाज को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक क्लास में हम फिर इसकी फिजियोलॉजी को फिनिश कर देंगे। तो ऐसे करके हमारा यह था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यह थी आज हमारी इनिशियल क्लास। मेहनत करते रहें, विश्वास रखें खुद पे। थैंक यू सो मच।